बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देश को अब झटके पर झटका मिल रहा है। IMF के बाद अब उसके करीबी देशों ने भी उसे दो टूक जवाब दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे पर दिमाग न खपाए और भारत से दोस्ती करके इस विवाद को खत्म कर दे। UAE और सऊदी अरब दोनों ने ही पाकिस्तान को सलाह दी है अब वो कश्मीर के मुद्दे पर शांत हो जाए। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि PM मोदी को संदेश देना चाहते हैं दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना हो, और लेकिन बाद में ही PMO की तरफ से फिर से कहा गया कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने के बाद ही बातचीत की गुंजाइश है। सऊदी अरब इस बात को समझ गया है कि पाकिस्तान अपनी माली हालत को सुधारने की बजाय सिर्फ राजनीति के फायदे के लिए कश्मीर राग अलापता है, और वो दुनिया के हर मंच पर विकास की बात करने की जगह इसी मुद्दे को रखता है। ऐसे में सऊदी अरब ने अपने हाथ खींच लिए हैं। वहीं UAE ने पाक की आपत्तियों को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर में निवेश का फैसला कर लिया है। बात करें OIC की तो वो सऊदी अरब की तरफ ही इशारे पर चलता है। ऐसे में OIC के सदस्य देश भी शांत है।